चुक मथे लाला पैर तरे तू जेड़ी माटी ते मेरा जी करदा मां चरण कौर लिखवा ला छाती ते। लैंसडाउन उत्तराखंड में बसा एक छोटा सा शहर जिसे बसाया गया था ब्रिटिश राज के टाइम पर एंड जो कि हेडक्वार्टर है गढ़वाल राइफल्स का और यहाँ पे देखने को मिलती है उत्तराखंड की सुंदरता। तो आइए चलते हैं लैंसडाउन के सफर पर और साथ मिलकर घूमते हैं उत्तराखंड का लैंसडाउन। एलिफेंट स्पॉट की घंटी में अलग आवाज आ रही है जो अपने आप यूनिक है। बड़ा मजा आया पर पैर दुख गए। बेल आइकन पूरा फॉरेस्ट एरिया और लंबे लंबे पेड़ हैं। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। और इस वीकेंड पे हम लोग जा रहे हैं एक नई जर्नी पे, छोटा सा ट्रिप है ये। और इस वीकेंड पे हम आपको लेके चल रहे हैं लैंसडाउन। आपने टाइटल देख के पढ़ ही लिया होगा, लैंसडाउन जा रहे हैं। लैंसडाउन उत्तराखंड में छोटा सा शहर है। अभी भी काफ़ी सारे लोगों को लैंसडाउन के बारे में नहीं पता है। बहुत बहुत पीसफुल जगह है वो एंड वहाँ पे जो उत्तराखंड की ब्यूटी देखने को मिलेगी बहुत शानदार है। दिल्ली के पास अगर आप लोग वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो लैंसडाउन एक परफेक्ट जगह हो सकती है। वहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहती, काफ़ी पीसफुल जगह है, आइसोलेटेड जगह आप बोल सकते हो, और छोटी सी जगह है। एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में लैंसडाउन से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपके सबके साथ शेयर करेंगे। आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो एंड वहाँ पे क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेज हैं वो तो आप सबके साथ एक्सप्लोर करेंगे ही। प्लस द मेन थिंग इज़ जो ये जर्नी है लैंसडाउन तक की बहुत सुहाना है सफ़र, क्योंकि जो नज़ारे आएंगे ना बहुत बहुत अमेजिंग है। साथ मिलकर एक्सप्लोर करेंगे उत्तराखंड में लैंसडाउन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग, चलते हैं लैंसडाउन के सफ़र पर। एंजॉय करिए आप भी जर्नी को और हम भी एंजॉय करते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं साथ मिलकर। तो लेट्स गो। सो गाइज माउंटेन एरिया स्टार्ट हो चुका है, कोटद्वार क्रॉस करते माउंटेन स्टार्ट हो जाते हैं एंड ये आई थिंक 30-35 किलोमीटर्स का ये माउंटेन्स का रास्ता है। और स्टार्ट होते ही पूरा फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे अभी रुके हैं। यहाँ पे एलिफेंट स्पॉट किया तो मैंने सोचा आपको भी दिखाता हूँ, कैमरे में देखता हूँ दिखते हैं नहीं दिखते हैं। नीचे रिवर फ्लो हो रही है और ऊपर पहाड़ी पर चढ़ रहे हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। सो गाइज ये थे एलिफेंट्स और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और अभी यहाँ से लैंसडाउन 30 किलोमीटर्स के अराउंड रहता है। और जैसा कि बताया था मैंने आइसोलेटेड सी जगह है, ट्रैफिक भी ज़्यादा इतना खास नहीं है। और अब आप लोग एंजॉय करो लैंसडाउन तक का सफ़र और फिर लैंसडाउन में क्या क्या पॉइंट। लैंसडाउन हम पहुंच चुके हैं और अभी आपने देखा था मार्केट के एरिया जिसे हमने क्रॉस किया था। और यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं, जैसे कि एक भुल्ला लेक है, भुल्ला ताल भी बोलते हैं उसे, और एक टिप एंड टॉप है, वहाँ से पूरी सिटी का व्यू आता है और सनसेट पॉइंट भी वहाँ पे। तो यार अभी क्या सीन है, अभी हम पहुँचे हैं भुल्ला ताल पे और भुल्ला ताल पे क्या है बोटिंग के चार्जेस 150 रुपीज़, इसमें एंट्री भी इंक्लूडेड है, मतलब एंट्री चार्जेस 150 है, बोटिंग उसमें इंक्लूडेड है, जैसे मर्जी समझ लो। और इसका सेटअप दिखाता हूँ किस तरीके का है, ज़्यादा बड़ी लेक तो नहीं है ये, आप पहले देखो ज़रा एक बार।
ओके सो गाइस, आपने देखा कि भुल्ला ताल का, भुल्ला लेक का किस तरीके का सेटअप है। देखो ज़्यादा बड़ी लेक नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा है, अंदर झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। बट द थिंग इज़ 150 रुपीज़ चार्ज है एंट्री टिकट प्लस बोटिंग इंक्लूडेड है उसमें। हमने एंट्री टिकट पता करी, अभी 2 घंटे की वेटिंग है। तो यार अभी 2 से 2.5 घंटे ही बचे हैं सनसेट होने में भी, तो वर्थ नहीं है वेट करना यहाँ पे। तो अभी अपने क्या किया है कि इसके बैक साइड में आए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा 500-600 मीटर का ट्रैक है ऊपर, यहाँ ऊपर जाएंगे और इसके बाद निकलेंगे टिप एंड टॉप पे। वहाँ पे सनसेट भी आएगा, पूरी सिटी का भी आएगा, वो एंजॉय करेंगे एंड आपको भी दिखाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये फैमिली ट्रिप है, तो ये मेरे साथ ये कज़न है, एक और है। एक्चुअली द थिंग इज, इन्होंने ना मेरी खीरंगा ट्रैक की वीडियो देखी थी, तो इन्होंने कहा ट्रैक करना है, तो यहाँ पे लेके आया, अब ट्रैक कराते हैं इन्हें। अब बताते हैं ट्रैक कैसे होता है, आओ चलो। मीटर था मुश्किल से यार। लैंड जोन में देखो क्या है कि ग्रीनरी बहुत है और ये बड़े बड़े पेड़ हैं और इस तरह की नेचर वॉक बोल सकते हो आप इसको, इस तरह काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। तो बोट की बोटिंग का तो टाइम था, तो मैंने सोचा इनका ट्रैकिंग का भूत उतारते हैं, बस और कुछ नहीं था। कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो इनको ट्रैकिंग एक्सपीरियंस करवा दिया, काफ़ी है, 400-500 मीटर की ट्रैक हो गई। अभी यहाँ से निकलते हैं टिप एंड टॉप के लिए, वहाँ से सिटी का व्यू आएगा वो दिखाएंगे आपको, और सनसेट पॉइंट का व्यू वो भी देखेंगे। भाई जगह तो प्यारी है, ग्रीनरी है, अच्छी जगह है, मतलब पीसफुल है, आइसोलेटेड सी जगह है, बहुत सही है। ओके सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं टिप एंड टॉप पे, और टिप एंड टॉप अच्छा खासा टूरिस्ट पॉइंट है लैंड जोन में। एंड द थिंग इज़ कि यहाँ से अच्छा खासा व्यू आता है सिटी का, और यहाँ भी एंट्री टिकट है 20 रुपीज़ पर बस। और थोड़ा आपको ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रैक क्या थोड़ा सा ये 100-150 मीटर बस, बट जो ट्रैक के साथ ये सीनरी जैसा नज़ारा चल रहा है, इसी की मज़ा है। ये है टिप एंड टॉप पॉइंट, और यहाँ से क्या बेसिकली वही सीन जो मैंने बताया था, पूरी सिटी का व्यू आता है, बट अभी क्या है थोड़ा फोगी सा हो रखा है, तो इतना क्लियर व्यू आ नहीं रहा है। बट हाइट अच्छी खासी है, मतलब देख के लग रहा है कि व्यू बहुत बहुत सही आएगा, अगर फोगी ना होता तो बहुत सही आता। बाकी यहाँ पे कैफेज और कैंटीन वगैरह भी खाने के लिए, अभी हम भी कुछ खाते हैं, उसके बाद यहीं पे पास में एक सनसेट पॉइंट है वो चलेंगे। सनसेट का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, सनसेट पॉइंट एक्सप्लोर करेंगे एंड आपको भी दिखाएंगे। स्टैंड वगैरह सब कुछ है साथ में, टाइम लैप्स आएंगे। सो गाइज, अभी हम पहुँचे हैं मंदिर में। एक्चुअली यार देखो सीन क्या हुआ था, 800 मीटर बाद टिप एंड टॉप पॉइंट से 800 मीटर दूर सनसेट पॉइंट है। बट सनसेट पॉइंट से ना क्या सीन है कि पेड़ बीच में आ रहे थे, तो सनसेट प्रॉपर दिखता नहीं। तो यहाँ के लोकल्स ने बताया कि उस सनसेट पॉइंट के साथ में ही एक संतोषी माता का मंदिर है, और थोड़ा ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ेगा, बट यहाँ से सनसेट व्यू बहुत प्यारा आएगा, अच्छे से दिखेगा। तो हमने सोचा चलो चलते हैं, थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा बस, करो ट्रैक। जय माता दी। गाइज अभी हम संतोषी माता के मंदिर पर, और आपने देखा कितना प्यारा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है एंड काफ़ी प्यारा लग रहा है ये, और इसकी हाइट अच्छी खासी है। तो सनसेट पॉइंट था वहाँ, सनसेट इतना क्लियर नहीं आता, बट यहाँ से हाँ ये है कि अच्छा लगेगा, दिख जाएगा मतलब सनसेट होता हुआ। सेटअप कर दिया है, स्टैंड वगैरह सेट कर दिया पूरा, अब देखिए टाइम लैप्स कैसा आता है।
थोड़ा सा क्लाउड्स मिक्स हो रखे हैं, तो लेट्स सी कैसे रिजल्ट आता है, आपको दिखाएंगे अभी। यहाँ पे एक चीज़ जो मेरे को यूनिक लगी है, अच्छी लगी है, वो ये यहाँ पे काफ़ी सारी ना देखो घंटियाँ बन रही हुई हैं यहाँ पे, और इसमें क्या है कि हर घंटी में अलग आवाज़ आ रही है जो अपने आप यूनिक है, ये चीज़ है। बाकी सनसेट होने में आधा पौना घंटा बचा है, सेटअप हो चुका है, टाइमलेस बनाते हैं एंड देखते हैं कैसा आता है। हम भी इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करिए। ओके सो गाइस, हम जस्ट मंदिर से नीचे आए थे, और मंदिर से नीचे एक डेढ़ किलोमीटर नीचे आते ही रास्ते में एक चर्च देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी पुरानी चर्च है, 1896 में बनाई गई थी चर्च ये, एंड बहुत प्यारी लग रही है। छोटी सी चर्च है, मैं पहले कभी चर्च में गया नहीं हूँ, आज जाने का मौका मिला है। अंदर चलते हैं देखते हैं कैसा है, अंदर चलते हैं आइए। सो गुड मॉर्निंग गाइज, नए दिन की नई शुरुआत हो गई है लेंसडाउन में, एंड सीन क्या हुआ था, रात को हम आ गए थे होटल वापस और मार्केट बंद हो गई थी, 9 बजे मार्केट बंद हो जाती है यहाँ की। फिर होटल में डिनर वगैरह किया, उसके बाद सो गए। अभी मैं जस्ट उठा, फ्रेश वगैरह हुआ, कपड़े वगैरह चेंज करे, और सुबह का मौसम इस टाइम बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश जैसा हो रहा है, बारिश मतलब हल्की हल्की स्टार्ट हो भी गई है। हाँ, और अभी अपना क्या प्लान है, यहाँ पे एक ताड़केश्वर टेम्पल है जो बहुत बहुत सुंदर है और काफ़ी अच्छी खासी लोकेशन पे बना हुआ है, और वो क्या है लेंसडाउन से पहले ही एक रास्ता डाइवर्ट हो जाता है उसका 33 किलोमीटर्स, वहाँ जाएंगे। बाकी एक भीम पकौड़ा भी है, वो भी देखते हैं। तो पहले आपको मैं यहाँ का होटल दिखाता हूँ, होटल हमने कैसा लिया था, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरीके के होटल्स हैं एंड किस बजट में है। आइए। कुछ इस तरीके का यहाँ पे ब्रेकफास्ट का सेटअप है, एंड काफ़ी सारे आइटम्स अवेलेबल हैं, सैंडविच है, इडली सांभर भी है, मैं तो इडली सांभर प्रेफर करूँगा, थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान हो जाएगा इसमें। बाकी पराठे हैं, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी है, तो इस तरीके का सेटअप है। रूम आपने देख ही लिया है, रात को डिनर भी काफ़ी अच्छा खासा था, उसमें भी काफ़ी अच्छी खासी वैरायटी थी, वो मैं शूट नहीं कर पाया था क्योंकि थक गए थे, खा के बस सो गए थे। तो ये हमें पड़ा है 6000 फॉर 5 पर्सन, इसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, बुफे पूरा। तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके के रूम्स अवेलेबल हैं एंड किस तरीके के सेटअप हैं। अभी मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं, ताड़केश्वर टेम्पल देखते हैं एंड अभी भीम पकौड़ा उसका देखते हैं क्या सीन है। तो जो भी है मज़ा आएगा, बने रहना वीडियो में। और ये कैसे, ये क्या है, ये धागे हाथ में बांधने, वहाँ ऊपर बांधने के लिए या हाथ में बांधने के लिए? अच्छा, तो गाइस हम मंदिर ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, और मंदिर से पहले यहाँ पे रुक के हमने भी प्रसाद लिया है और एक धागा लिया बांधने के लिए, और प्रसाद हमने इनसे लिया है, इनसे। क्या नाम है आपका? पल्लवी। ओके, यहीं पर रहते हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, कितनी दूर रह गया मंदिर अभी यहाँ से? 1.5 किलोमीटर। यहाँ से 1.5 किलोमीटर रहता अभी? अच्छा चलो ठीक, यहाँ से मतलब आप पास में रहते हो यहाँ पे? अच्छा इधर ही रहते हो? अच्छा अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। ओके सो यार, सीन क्या हुआ था कि अभी जब हम गाड़ी से आ रहे थे ना, तो वो बीच में सबको रोक रोक के बोल रहे थे प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। तो प्रसाद तो हम आगे भी ले लेते, बट क्या था कि छोटे जो बच्चे थे बोल रहे थे, मैंने कहा चलो इन्हीं से ले लेते हैं, इसी बारे उनसे बात भी कर ली, अच्छा लगा। चलिए अब मंदिर चलते हैं। तो यार ये थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ता है मंदिर तक, एंड नेचर वॉक बोल सकते हैं इसे, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट एरिया है और लंबे लंबे पेड़ हैं, नज़ारे बहुत बेहतरीन हैं, बाकी मज़ा आ रहा है और मंदिर दिख रहा है यहाँ से। अब
ओके सो गाइस, तारकेश्वर टेम्पल में हम दर्शन किए और काफी अच्छे दर्शन हुए। संडे की वजह से रश काफी अच्छा खासा है यहाँ पे, एंड दूर दूर से लोग आ रखे हैं और दिल्ली वाले तो हर जगह पहुंच जाते हैं। ये हमारे पीछे हैं, हमें मिले हैं अभी, दिल्ली से ही हैं ये भी। एंड एक्सपीरियंस कैसा रहा मंदिर दर्शन कर, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा पीसफुल है और आप सबको आना चाहिए यहाँ पे। और ये जो और ये जो जगह है, ये इतनी ग्रीनरी, ये देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये बात जो आंटी ने बोली है ना, ये मेरे को ही फील हुई थी कि यहाँ पे आने के बाद ऐसा फील होगा जाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि मौसम इतना सुहाना हो रखा है और इतनी ग्रीनरी है, बड़े बड़े पेड़ हैं और महादेव। हाँ, पॉल्यूशन तो है नहीं, और दिल्ली वालों को तो पता है पॉल्यूशन की। हाँ, भंडारा भी चल रहा है तो ये सीन भी, और भंडारा खुद सर्व कर रहे हैं, खुद बना के खुद ही सर्व कर रहे हैं, जो कि यूनिक है, तो ये चीज़ है। और ये भैया मिले, ये यूट्यूबर हैं और इनसे फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन, थैंक यू आंटी, बाय आंटी, बाय। गाइज, ये था तारकेश्वर टेम्पल का एरिया, जैसा कि आपको दिखाया मैंने कितना खुला एरिया है, कितना बड़ा एरिया है, एंड यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी अच्छी खासी है, बड़े बड़े पेड़ हैं। बाकी यार संडे की वजह से रश थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, एंड मैं यही कहूँगा कि लैंडसडाउन ट्रिप में मस्ट विजिट प्लेस है ये, अगर आप प्लान कर रहे हो तो। थोड़ा अलग पड़ जाता है लैंडसडाउन के रास्ते से, बट अच्छी जगह है, और जो रास्ता था यहाँ तक का बहुत शानदार था, है ना? तो ये चीज़ है। बाकी यार अपनी ट्रिप लैंडसडाउन की बहुत अच्छी रही, दो दिन कम से कम चाहिए लैंडसडाउन पूरा कवर करने के लिए। एक चीज़ हमारी रह गई है, वो है भीम पकौड़ा, वो इसलिए रह गया क्योंकि लैंडसडाउन से 2.5 से 3 किलोमीटर का रास्ता था, वो एकदम कच्चा रास्ता है वो, और यहाँ मौसम क्या कैसी है ना, मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, सुबह बारिश हो रही थी, फिर धूप निकल गई, फिर बारिश, तो इसलिए वो जा नहीं पाए, यहाँ पर आ गए, वो मिस हो गया। बाकी ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप लोग बताना आपको वीडियो कैसी लगी, लैंडसडाउन ट्रिप कैसा लगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, एंड मेक श्योर कि बेल आइकन प्रेस कर देना, आपको आने वाले ब्लॉग्स में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अभी इस ट्रिप को ही खत्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे एक नई जगह के साथ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।